कांग्रेस के दिग्गज नेता का हुआ निधन, कांग्रेसियों में छाई शोक की लहर। इस वक्त कांग्रेस के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों के राज्यपाल रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत कुरैशी का आज राजधानी भोपाल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके भतीजे सोफियाना अली ने दी है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। पूर्व राज्यपाल कुरैशी के बारे में सुफियान अली ने बताया कि कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और सुबह करीब 11 बजे भोपाल के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज ही उनकी जनाजे की नमाज इशा की नमाज के बाद रात 8:30 बजे सूफिया मस्जिदों में नमाजे जनाजा अदा की जाएगी। बड़ा बाग कब्रिस्तान पालीवाल अस्पताल के पीछे भोपाल में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 1941 को भोपाल में जन्मे अजीत कुरैशी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के साथ 1973 में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री रहे। उन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्हें 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1973 में वे मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 1984 मध्य प्रदेश के सतना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीते थे। हमारे तरफ से भी कांग्रेस के दिग्गज नेता के निधन पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति।